भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मुगलपुरा में विगत 19 जुलाई 2021 यानी आज से 3 वर्ष पूर्व हुई बहुचर्चित गर्भवती काजल हत्याकांड में मुगलपुरा की लेडी डॉन जेवा खान और उसके देवर इंतजार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। एडीजे 5 सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने भागलपुर के चर्चित गर्भवती काजल की गोली मारकर हत्या मामले में फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक रियाज हुसैन ने बताया कि काजल की हत्या मामले में 11 लोगों की गवाही हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि मुखबिरी का आरोप लगा अपराधियों ने मुगलपुरा निवासी आरिफ की गर्भवती बेटी काजल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतका काजल के पिता आरिफ के द्वारा बाबरगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें कुख्यात अपराधी टिंकू मियां, जेवा खान, इंतजार, बादशाह और रहमत कुरैसी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। वहीं घटना के बाद मृतका के पिता आरिफ पर केस उठाने का दबाव भी बनाया गया और मृतका के पिता पर जान से मारने की नीयत से गोली भी चलाई गई थी, जिसको लेकर मृतका के पिता आरिफ ने बाबरगंज थाने में अलग से केस दर्ज कराया था। वहीं दोषी पाई गई लेडी डॉन जेवा खान बाबरगंज थाना क्षेत्र के मुगलपुरा के कुख्यात अपराधी मोहम्मद इम्तियाज उर्फ काना की पत्नी है, जबकि इंतजार उसका छोटा भाई है। वहीं न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद लेडी डॉन जेवा खान और देवर इंतजार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं मृतका काजल के पिता आरिफ कोर्ट के फैसले से काफी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि ऊपर भगवान है तो नीचे जज साहब है, उन्हें आज इंसाफ मिला है। इस दौरान आरिफ की सुरक्षा के लिए बबरगंज थाने की पुलिस भी कोर्ट पहुंची, जिसके बाद आरिफ को पुलिस पदाधिकारी ने थाना की जीप से घर तक छोड़ा। आज एडीजे 5 के ओर से श्री सुदेश कुमार श्रीवास्तव के ओर से जो है जेवा खान को आजीवन कारावास 30,000 रुपया फाइन और इंतजार को आजीवन कारावास 50,000 रुपया फाइन। ये 3 साल के अंदर में जजमेंट हुआ है। काजल हत्याकांड हुई थी, क्या मामला था सर? मामला ये था कि ये जो है 19/7/2021 की घटना थी। आरिफ खान को मारने के लिए आया था, आरिफ खान को न्याय लगते हुए गोली जो है उनकी बेटी को लगा काजल को, जिससे उसकी हत्या हो गई। उसके पेट में लगा, गर्भवती थी, हत्या हो गई, हॉस्पिटल ले जाया गया, उसमें मृत्यु हो सकता। कुल कितने अभियुक्त थे इसमें? इसमें 7 अभियुक्त हैं, जिसमें एक अभियुक्त जो है बोर्ड, इसमें जे बोर्ड में चल रहा है, 2 अभियुक्त का अभी हुआ है, 4 अभियुक्त और जो है उसकी सुनवाई अभी चल रही है। बस आजीवन दिया है मैंने तो, आज मेरी बेटी को न्याय मिला। आज कितने दिन के बाद फैसला आया? सर आज 3 साल हो गए, इसी जुलाई में 19 जुलाई को मारा था और 29 जुलाई में फैसला हुआ। तो 3 साल कैसे फील किए? बेटी चली गई, 3 साल तो फील किए सर, और कुछ तकलीफ से फील किए। संतुष्ट हैं कोर्ट के न्याय से? जी, कोर्ट के न्याय से संतुष्ट है जी, बिल्कुल। खतरा उसके लिए क्या सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से क्या प्रशासन से मदद? प्रशासन से मदद ये कह रहे हैं कि प्रशासन जो है ऊपर पदाधिकारी जो है जितने हैं वो तो ठीक है, तो कई बार प्रोटेक्शन भी भेजते हैं साथ में, जब भी कोर्ट आते हैं तो भेजते हैं, लेकिन आज जो है बबरगंज बड़ा बाबू पास हम गए कि कोर्ट जाना है तो बोले SSP साहब से लिखवा के लाइए, जब तक लिखवा के हम आते तब तक तो सर टाइम वेस्ट हो गया। भाई भी चेहरा भी लग रहा है आपका जी, बिल्कुल। हम लोग, मेरे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, एक UPSC की तैयारी कर रहा है बेटा मेरा, वो पढ़ने के लिए। क्या मांग करते हैं SP से? SP से यही मांग करते हैं कि सुरक्षा होनी चाहिए। भागलपुर साकुन थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबा मदरसा के पास से 28 जुलाई को अपराधियों ने देसी कट्टा सटाकर नकदी रुपया और मोबाइल छीन लिया था, जिसके बाद साकुन थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर लूटी गई मोबाइल और नकदी पैसे को बरामद कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर DSP लॉ एंड ऑर्डर चंद्रभूषण ने प्रेस वार्ता कर कहा कि साकुन थाना क्षेत्र के किरणपुर गाँव से अपराधी शशिभूषण के घर छापेमारी किया गया, जहाँ से लूटी गई मोबाइल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ एक लोडेड देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि शशिभूषण को मौके से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फ्रेंड्स, साकुन थाना क्षेत्र में हुई एक लूट घटना के सफल उद्भेदन के संबंध में है। दिनांक 28/7/2024 को अम्बा मदरसा के पास कुछ अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा
मोबाइल और पैसा का लूट हुआ था और इसमें जो है हथियार का भी उपयोग हुआ था। मामला के संज्ञान में आते ही सीनियर एसपी सर के द्वारा सिटी एसपी सर के निगरानी में और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इस टीम के अन्य सदस्य के रूप में एसएचओ शाहकुंड जयनाथ शरण, सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार शाहकुंड, सब इंस्पेक्टर देवकरण सिंह शाहकुंड और पीएसआई दिव्या भी थी। इनके द्वारा तुरंत ही छापेमारी करके गुप्त सूचना के आधार पर किरणपुर में शशि भूषण के घर पर छापेमारी किया गया। इसमें जो है मोबाइल जो लूट की गई थी उसका जो है बरामदगी की गई, साथ में मोटरसाइकिल, एक लोडेड कट्टा विधिवत गिरफ्तार जब्त किया गया और जो शशिभूषण इसमें गिरफ्तार हुआ है एक इसका आपराधिक इतिहास भी है, 86/24 ये सरकारी कार्य में बाधा डालने के संबंध में है। भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र से पुलिस के खिलाफ आरोप लगाते एक पीड़ित परिवार का मामला सामने आ रहा है। विगत 30 जून 2024 को लोदीपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर जिच्छो निवासी प्रकाश मंडल के घर 5 लाख रुपए के जेवरात एवं अन्य सामान की चोरी हुई थी। पीड़ित प्रकाश मंडल ने अज्ञात चोर के खिलाफ लोदीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई लेकिन 24 जुलाई 2024 को फिर से घर में चोरी की नियत से चोर घुसा, जिसके बाद हो हल्ला मचाने पर ग्रामीणों की मदद से आरोपी चोर को पकड़ लिया गया। पकड़ाए गए चोर की पहचान सरमसपुर गाँव निवासी नकल मंडल के पुत्र पुनिया मंडल के रूप में की गई है। वहीं चोर ने ग्रामीणों के समक्ष 30 जून को जेवरात की चोरी किए जाने की बात स्वीकार की है। चोर ने कहा कि उन्होंने चोरी किए गए जेवरात को अपनी पत्नी को सौंप दिया है। वहीं आरोपी की पत्नी ने यह बात स्वीकार नहीं की और उल्टे लोदीपुर थाना पुलिस पर केस में फंसाने का आरोप मढ़ दिया। चोरी हुआ था घर में, उसके बाद चोर को देखे पकड़ने दौड़े तो भाग गया। थाना में आवेदन दिए तो थाना छानबीन नहीं किया, उसके बाद चोर को देखे रोड पर पहचान गए तो पकड़े, पकड़ कर थाना में दिए तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया, थाना छोड़ दिया। आज आप कहाँ आई? एसपी साहब से मिले। क्या बोले? एसपी साहब बोले कि गलत छोरा होगा तो कानूनी कार्रवाई होगा। आश्वासन दिया गया जी। क्या चाहते हैं? मेरा सामान मिल जाए। तो बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाले गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर लाजवाब है और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मजा ही आ जाएगा। ये देखो है ना, तो आ जाओ फिर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहां जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। देन गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड तिलका मांझी चौक भागलपुर, मोबाइल नंबर 6200643686। सावन माह में कांवड़ियों के जाने का सिलसिला अनवरत जारी है। श्रावणी मेला के सातवें दिन पटना से आए 300 से अधिक श्रद्धालुओं का एक जत्था 54 फीट का आकर्षक कांवड़ के साथ सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। वहीं कांवड़िया पथ पर इन श्रद्धालुओं ने माहौल बना दिया। महादेव के भजन और ढोल झाल के धुन पर नाचते गाते बैद्यनाथ धाम जा रहे थे। श्रद्धालुओं ने बताया कि वर्ष 2007 से बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं और बाबा मनोकामना पूरी कर देते हैं, इसलिए जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। कांवड़ियों ने बताया कि कांवड़ लगभग 500 किलो का है और इसे 9 श्रद्धालु उठाते हैं और ये सभी श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम पहुँचेंगे और महादेव का जलाभिषेक करेंगे। वहीं कांवड़ लेके जा रहे श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। नमकुचिया खरीक थाना क्षेत्र के बगड़ी गांव में रविवार की शाम जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच भीषण मारपीट हो गई। मारपीट की इस घटना में एक पक्ष के रूपेश यादव की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मारपीट के दौरान नित्यानंद यादव, गौरव यादव समेत उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने पीट पीट कर हत्या कर दिया है, जबकि आरोपी का कहना है कि विवाद के कारण हार्ट अटैक से मौत हुई है। जानकारी के अनुसार जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें एक दूसरे पर फायरिंग और मारपीट करने का लगाया है।
हालांकि देर शाम तक घटना को लेकर किसी भी पक्ष द्वारा खरीक थाने में लिखित आवेदन नहीं दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही खरीक थानाध्यक्ष नरेश कुमार दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पुलिस से की है, जिसके बाद नवगछिया SDPO ओम प्रकाश भी चार थानों की पुलिस के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजने की बात कही। वहीं घटना के बाद गांव में भय का माहौल है, जबकि मृतक के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष नरेश कुमार ने कहा कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुनल गेल रहे वहाँ से यहाँ झगड़ा कर रहे, गाड़ी दे रहे, उन्हें से पूछल कोई नहीं कुछ बतल का चुपचाप बैठल वर्षा मारे कलोन बना लेने रहे। कौन कौन था मारने में? कौन कौन सामान ले आयर के आयल रहे कन्या से नबुआ? कौन कौन था नाम बताओ? रहे सौरवा रहे नितिया रहे लखनऊ रहे बाबू शंकरो रहे शंकरा के बेटा रहे मनीषवा विक्रम सब रहे हमर कोई नहीं लाठी डंडा हथियार लेकर सब कुछ मारपीट किया उसके बाद जब चोटिल हुए तो कहाँ लेके गए आपने? कुछ नहीं भागलपुर लेके जाए। सावन के दूसरे सोमवार ही अजगैबीनाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा घाट में स्नान करने के दौरान दो छात्र डूब गए, जिसमें एक छात्र किसी तरह जान बचाकर गंगा से बाहर निकल गए, जबकि दूसरा छात्र अब भी लापता है। ग्रामीणों ने बताया कि सुल्तानगंज के पटेल नगर गांव के रहने वाले अपने सहयोगी छात्र के साथ स्नान कर रहे थे, तभी गहरे पानी में चले जाने पर दो छात्र डूबने लगे, जिसमें एक छात्र ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि दूसरा छात्र लापता है। डूबे गए छात्र की पहचान 20 वर्षीय करण कुमार के रूप में हुई है और वह इंटर का छात्र बताया जा रहा है। वहीं सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और डूबे छात्र की खोजबीन में जुट गई। इधर घटना से पूरे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में शिव भक्त अपने अनोखे अंदाज में लगातार बाबा धाम जा रहे हैं और उनका अनोखा अंदाज अन्य कांवड़ियों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण उस समय देखने को मिला जब सेंचुरी कंपनी के द्वारा महाकाल ग्रुप हावड़ा के घुसड़ी माधव लेन के टोली के 35 कांवड़ियों का जत्था के द्वारा अयोध्या के रामलला के भव्य मंदिर रूपी कांवड़ को ले बाबा धाम के लिए निकल पड़े। इस दौरान कांवड़ियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था।